धार्मिक ग्रंथों और वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में भी पितरों के किए जाने वाले श्राद्ध कर्म को पवित्रता और शुद्धता के साथ करने की मान्यता है। ये तुलसी के बिना पूरा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में तुलसी को सबसे ज्यादा पवित्र बताया गया है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए भोजन, ग्रास और पूजा पाठ में तुलसी के पत्ते भी डाले जाते हैं। श्राद्ध, तर्पण, कर्मकांड, पिंडदान आदि में तुलसी का इस्तेमाल करने से कई लाभ मिलते हैं और इससे श्राद्ध का संपूर्ण फल मिलता है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में तुलसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी करने के लिए लोकल 18 ने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। तुलसी का क्या महत्व है, क्यों तुलसी का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? श्राद्ध पक्ष में तुलसी का प्रयोग क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जो 16 दिन का जो पक्ष है, अर्थात जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, इसमें नित्य प्रति जब अपने पितरों के निमित्त भोजन बनाया जाता है, उनके प्रति हम श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, तो माँ तुलसी दल जो है, अगर हम उसका प्रयोग करें, उसमें पवित्रता बनी रहती है। क्योंकि संसार में जो शास्त्रों के अनुसार तुलसी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। श्राद्ध कर रहे नित्य प्रति, तो उसमें तुलसी का समागम अर्थात तुलसी को सम्मिलित करने से, उसका प्रयोग करने से हमारे श्राद्ध पक्ष में होने वाले कार्य सभी सिद्ध होते हैं और अपने पितरों का हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में यदि हम तुलसी का प्रयोग करते हैं नित्य प्रति, तो हमारे श्राद्ध करना सार्थक होता है और हमारे पितरों के निमित्त भी हम उनका भली भांति एक अपना कार्य स्वच्छता से और पवित्रता से संपन्न कर सकते हैं। जैसा कि हम कोई भी हमारा भोजन है, उसमें यदि तुलसी रख दी जाए तो उसमें पवित्रता बनी रहती है और भगवान विष्णु जी आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए माँ तुलसी दल को पवित्रता से स्नान ध्यान करके प्रातःकाल उसके पत्ते फोड़ करके जब भी भोजन बनाया, जब भी हमारे श्राद्ध है और उसमें तुलसी दल अगर हम रख देते हैं, पूरा भोजन पवित्र माना जाता है। तो आपने जाना कि तुलसी को भोजन में मिलाने से पवित्रता बनी रहती है। पूजा पाठ के कार्यों में तुलसी का इस्तेमाल करने से हर तरह का दोष खत्म हो जाता है और श्राद्ध का पूरा फल मिलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहे लोकल 18।